विपक्षी दल अक्सर नोटबंदी के फैसले पर मोदी सरकार की नीयत पर सवाल उठाते आए हैं। वहीं अब आरटीआई से हुए खुलासे के बाद मोदी सरकार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गई है। दरअसल खुलासा हुआ है कि अमित शाह जिस बैंक में निदेशक रहे हैं, नोटबंदी के दौरान उसी बैंक में सबसे ज्यादा 500 और 1000 रुपए के नोट जमा किए गए। इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा कि नोटबंदी के दौरान पुराने नोट बदलने का फर्स्ट प्राइज जीतने पर बधाई। दरअसल मुंबई की एक आरटीआई कार्यकर्ता एसजोए ने नोटबंदी के बाद राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्र सहकारी बैंकों में जमा रकम की जानकारी मांगी थी, जिसे खुलासा हुआ है कि अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक में नोटबंदी के ऐलान के बाद महज 5 दिनों के अंदर करीब 745 करोड़ रुपए के प्रतिबंधित नोट जमा किए गए। बताया जा रहा है कि अमित शाह उस समय बैंक के निदेशक थे और वह कई साल से इस पद पर बने हुए हैं। वहीं ADCB के बाद सबसे ज्यादा प्रतिबंधित नोट जमा करने वाला सहकारी बैंक राजकोट जिला सहकारी बैंक है, जिसके अध्यक्ष गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की सरकार में कैबिनेट मंत्री जयेश भाई हैं। इस बैंक ने 693 करोड़ रुपए के प्रतिबंधित नोट जमा किए थे। आरटीआई के इस खुलासे के बाद अब मोदी सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर नोटबंदी को घोटाला करार देते हुए अमित शाह पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बधाई अमित शाह जी, निदेशक अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक, आपके बैंक ने पुराने नोटों को बदलने के मामले में पहला पुरस्कार जीत लिया है। 5 दिनों में 750 करोड़ लाखों भारतीयों की जिंदगी नोटबंदी के कारण बर्बाद हो गई, आपकी इस उपलब्धि को सलाम। राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी अमित शाह पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नोटबंदी की तबाही के 19 महीने बाद अब यह स्पष्ट हो चुका है कि यह पूरी कार्रवाई स्वतंत्र भारत में सबसे बड़ा घोटाला थी, जिसमें बेईमान से प्राप्त काले धन को सफेद किया गया। साथ ही उन्होंने मामले की जाँच की मांग की है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।